अमृतसर के गुरु अमरदास एवीन्यू दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब सतिकार कमेटी के मैंबर बलबीर सिंह मुछल ते बीबी मनजीत कौर अपने साथियों के नाल एक घर दे विच छापा मारते ने जिथे कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब सुशोभित हैं। तुहानू दसीए कि उस घर दे विच अंडे का सेवन किया जाता है ते नाल ही जिथे गुरु ग्रंथ साहिब का अस्थान बनया होया बहुत ही छोटी जिही जगह जिथे कि सही तरह ताबिया दे विच भी बैठे नहीं जा सकता, जिस दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की एक होर बेअदबी हो रही है जिसनों लैके छापा मारिया गया। उन्होंने वालों अजनाला रोड से स्थित गुरद्वारा पलाह साहिब विखे श्री गुरु ग्रंथ साहिब भेज दिए गए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी पंजाब गमटाला बाईपास के नज़दीक गुरु अमरदास जी कनौली दे विच जिथे 68 नंबर कोठी च बलजिंदर सिंह दे नां दे व्यक्ति अपने घर दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश किया होया सी। ये परिवार आंडे मीट ते शराब का भी सेवन करते सन ते कोई भी परिवार का मैंबर अमृतधारी नहीं सी। जदों असी पहली मंजिल ते दूसरी मंजिल ते चढ़दे आ जिहड़ियां पौड़ियां दे बिल्कुल लागे इक लक्कड़ दा कैबिन बनाया होया सी जिहदे विच सतगुरां नूं इन्हां ने प्रकाशमान किया सी। बहन जोगी जगह भी नहीं सी, भाव लागों की लंघना भी बड़ा औखा सी। तो जदों ये वेख्या कि जोड़े पा के लागों की ही सतगुरां दे कोल लंघते रहे ने, भाव कि मर्यादा दियां फुल परिवार ने धज्जियां डाइयां जिन्ना चिर इन्हां ने अपने घर गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश किया है। ये सानूं नहीं सी आउंदी लोड़ पैनी चाहीदी, क्योंकि बड़ी वड्डी संस्थावां जिहड़ियां इत्थे अमृतसर दे विच सेवावां कर रहियां ने, श्रोमणी कमेटी वालों श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी इस परिवार नूं दित्ते गए ने। बकायदा श्रोमणी कमेटी वालों छपाई जिहड़ी हुई है रामसर तो वो सारा नंबर सीरीयस सारा लिखा होया है। असीं चाहुंदे हां कि सानूं बार बार ये जाके लोगों के घर के दरवाजे क्यों खड़काने पै रहे ने, कोई जथेदार चंगा ठोस कदम चुके जिहदे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की मर्यादा की उलंघना ना निरादर ना हो, क्योंकि घटनावां बड़ियां वापरियां ने ते फिर सिख कौम का सिर नीवा हो रहा है। अज असीं इत्थे आए हां, इहदे घर विच जदों आण के वेख्या परिवार का कोई भी मैंबर अमृतधारी नहीं, दाड़ियाँ कटाइया हुई ने, भरमट्टे कटाए हुए ने। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब का जो सत्कार मान चाहिए है वो गुरु घर कई थावान नहीं हो रहा, तो इतने घर कितने होना है। मैं सारे पंजाब सत्कार कमेटी पंजाब वालों हाथ जोड़ के उन्होंने परिवारों को बेनती कर रहा वा कि जिन्हां ने अपने घर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश करके तो फिर मर्यादा दियाँ धज्जियां डा रहे हैं, उन्होंने उपर असी फोर कार्रवाई करवावे। तो नाल ही उन्होंने एक अपील करते हैं कि अपने आप ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरद्वारा साहब लागले सुभाए मान करवाउण, नहीं तो फिर असी तो कमर कसे कीते ही है, क्योंकि जथेदार जिहड़े फर्ज सन वह जथेदार निभा नहीं रहे, जिहदे करके सानू ये कारवाइयां करनियां पै रहियां। हांजी, मेरा नाम बीबी मनिंदर कौर धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार कमेटी पंजाब श्री अमृतसर साहब तो। सो इत्थे सानू कोई भाई साहब उन्होंने फोन किया कि इत्थे महाराज का बहुत ही निरादर हो रहा है, तो तुसीं आण के ते वेखो। जदों अहीं इत्थे आए हाँ तो मन नूं बहुत ही ठेस पहुँची है कि एड्डा तगड़ा महल अहीं अपने वास्ते डबल नहीं ट्रिपल स्टोरी बनाया, ट्रिपल स्टोरी अहीं अपने वास्ते महल बनाया हुआ, तो महाराज वास्ते एक वाधू घाटू जगह कैमन जिहा बना के तो महाराज ने सी रखा। कि शर्म वाली गल आ साडे वास्ते। मैं कहनी हाँ भी लागे फलाह साहब गुरद्वारा वा, उत्थे जाओ दर्शन करो, गुरु हरगोबिंद पातशाह दीआं बख्शिशां लो। आपां इस तरह करन दे नाल गुरु की कृपा दे भागी नहीं बन रहे, इहदे नाल असीं गुरु साहब दा निरादर करके अहीं खुद दोषी बन रहे हैं। असीं बड़ा रौला पाउने आ कि सानू 2014 दीआं बेअदबियां दा इंसाफ नहीं मिलिया, किते ना किते बेअदबी असीं भी कर रहे हैं। मैं श्रोमणी कमेटी प्रबंध नूं ते इक जथेदार दे हरप्रीत सिंह ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं मैं बेनती करना चाहुंदी हाँ कि सिंह साहब आपां इन्ने इनवेसले हो गए हैं कि आपां अपने प्रबंध नूं नहीं वेख रहे, असीं तुहाडे दुश्मन नहीं, असीं तुहाडा साथ देण नूं तैयार हाँ। साडे नाल बैठ के विचार धारणा गल करके साडियां टीमां बना के तुसीं पिंडां च नाल साडे अपणियां भेजो, असीं तुहाडा सहयोग करांगे। जो गुरु साहब दा निरादर हो रहा है इहनूं असीं रोक सकीए। रात दी गल आ, रातीं गुरू रामदास पातशाह दा प्रकाश दिहाड़ा जदों मनाया जा रहा सीगा, बुंगियां दे उपर संगत चढ़ी आ, वो किन्ने प्रबंध वेखना सी उत्थे, केस कतल चलो हर एक आ सकता गुरु रामदास पातशाह दे घर, मर्यादा दा पर ख्याल रखना साडा मुढ़ला फर्ज बनता। हुक्मनामा साहब हो रहा सीगा ते जिहड़े उत्थे उपर बुंगियां दे उपर संगत चढ़ी सी वह जंकारे छड़ रहे सी, जंकारा लाउणा साडा मुढ़ला फर्ज भी आ, साडा चढ़दी कला दा प्रतीक आ, पर असीं मर्यादा तां वेखीए जदों गुरु साहब सानूं हुक्म कर रहे आ। एक कमांडर फौज का कमांडर हुक्म करता होवे
तो जिन्नी भी फौज वा वह बड़े आराम के नाल सुनती अपने अफसर के हुक्म भी साढ़े अफसर सानू की हुक्म कर रहे वो कुल जहान के मालक सानू हुक्म कर रहे उन्हें साड़ी हिम्मत कितना पै जी यह धज्जियां डाउन की। सो मैं इन्हों कहना चाहनी हाँ कि सिंह साहब बैठ के विचार करिए सानू अपने नाल बिठा के साडे नाल मीटिंग करो सानू तुसी साडियां सेवावां लो अपनी टीमां नाल भेजो असी तुहाडे दुश्मन नहीं गए असी गुरु साहब वास्ते तुरे फिरदे हां ताड़ियां तनखावां लैके तुहाडे मुलाजम नहीं काम कर रहे पर असी गुरु साहब के प्यार सत्कार वास्ते मरन नू तैयार हाँ। सो असी इस प्रबंध नू संभालीए ये गुरु ग्रंथ साहब जी नू किते एक ते मैं सब तो पहले यह कहना चाहनी हाँ कि जिहड़ी छपाई आ किताबां छापियां जांदियां गुरु ग्रंथ साहब जी के पुरातन हाथ लिखित सरूप होंदे से जदों हाथ लिखित सरूप होंदे सीगे ना कोई विरला टावा सिंह जिहड़ा प्यार प्रेमी सीगा उह ही हाथ लिखित सरूप नू तैयार करदा सीगा जदों दी छपाई होनी शुरू होई उदों दे घरां च जाण लग पए ने नरादर भी तां ही होया लियाए कितनों लियाए से वह बाहर जाना से उन्होंने बाहर जाना से फिर उन्होंने को लिया से बाबा जी कारण बाबा जी कहते कि अपना रहत मर्यादा नहीं होंगी रहत मर्यादा बाबा जी छोटा जहा कमरा असं पहले जिते इतने आए से उन्होंने पहले ऑलरेडी इतने कमरा बनाया हाँ जी बड़ा बस